हाय दोस्तों, आई एम यूसुफ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपने आधार कार्ड के अपडेट के बारे में। कैसे पता कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड अपडेट हो चुका है कि नहीं, वो आप अपने फ़ोन पे ही कैसे पता कर सकते हो, उसका स्टेटस जो है वो ट्रैक कैसे कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए गूगल पर जाते हैं सिंपली, और हमें टाइप करना है यू, जैसे यू आप यू आई डी ए आई, और इस पर क्लिक कर ले। ये जो है uidai.government.in, ये आधार का मेन साइट है, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा, उसमें से आपको यह ऑप्शन देखना है अपडेट आधार। इसमें आपको देखना है, आपको इतने पांच ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको अपडेट करना होगा तो आप इस वाले पे क्लिक कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो अपडेट डेमोग्राफिक डेटा ऑनलाइन, और उसके बाद का जो ऑप्शन है चेक ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट स्टेटस, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। तो आपको कुछ भी नहीं, सिंपल आपको अपना यहाँ पे जो है अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद जो आता है URN, यानी कि अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, इसकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पिछले वीडियो में दी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। इधर आप देख सकते हो आप आधार कार्ड नंबर डाल दिया, तो इसके बाद जो है URN नंबर डालना है आपको। URN नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा वेरिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे जो आपको वर्ड दिए गए हैं वो आपको सिंपली टाइप करना है, और उसके बाद सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है 6 डिजिट का आपको जो है एक पासवर्ड आएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने आपका जो है स्टेटस आ जाएगा। तो मैं लॉगिन करता हूँ अपने आधार कार्ड और अपडेट रिक्वेस्ट नंबर से, फिर आपको दिखाता हूँ। ये जो बता रहा है अपडेट रिक्वेस्ट इज इन अ प्रोग्रेस, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑन अ डिस्पोजल ऑफ अपडेट रिक्वेस्ट, यानी कि अपडेट होने के बाद यहाँ से आपको एक रजिस्टर मोबाइल नंबर पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।